उस काम के लिए मुझे आज नज़रबंद कर दिया गया। भाई मेरे से क्या डर है, जब आप जनसंवाद करने आ रहे हो, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ, मेरे पिताजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा है। मैं कोई विरोध करने नहीं जा रहा, मैंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि मैं झंडे दिखाऊंगा या मैं कोई विरोध करूंगा, मैं एक मुख्यमंत्री जी को असली दिखाने जा रहा था। ऐसा जी, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम को जनसंवाद का नाम दिया है, जबकि यह जनसंवाद नहीं, जन अपमान का है। जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जनसंवाद के नाम पर जाते हैं, वहाँ वहाँ पब्लिक का अपमान करते हैं। पिछले दिनों जब सरसा में तीन जगह विधानसभा में किया तो भी लोगों का अपमान किया, आज सरसा में भी अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, वहाँ प्रशासन है, स्थानीय विधायक है, मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जगह पर सड़कों की लिपापोती की जा रही है, ग्रिलों के रंग किए जा रहे हैं, सफाई व्यवस्था की जा रही है, लाइट की व्यवस्था की जा रही है, जबकि सारा शहर आज अंधेरे में डूबा हुआ है। सारी सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, और सीवरेज का ओवरफ्लो पानी, सीवरेज का मिक्सिंग पानी भी घरों में सप्लाई हो रहा है, जिससे लोग उल्टी, दस्त, डायरिया से पीड़ित हो रहे हैं। इसी प्रकार एक गुजरात की कंपनी आई हुई है जो गैस अंडर पाइप डालने का काम कर रही है, उसने आधे से ज़्यादा शहर की गलियाँ सड़कें पाड़ के रख दी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, ना उनकी रिपेयर की जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने एक बोर्ड लगाया स्वच्छ भारत अभियान के नाम से, आपने देखा, मैंने वायरल भी किया था कि जहाँ बोर्ड लगाया उसी के नीचे कितनी गंदगी का ढेर और आवारा पशु। इन आवारा पशुओं के कारण रोज़ शहर में दुर्घटना हो रही है, उनको पकड़ने का कोई जगह रखने का कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि CM साहब को प्रशासन अंधेरे में रखे हुए, मेरी एक ही मांग थी, मैंने सारे शहर की वीडियोग्राफी कराई थी भी, जहाँ जहाँ सड़कों का बुरा हाल है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आज शहर की 70% स्ट्रीट लाइट बंद है, सारा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब आए थे तो हमारे शहर के कुछ एरियों में तिरंगी लाइट लगाने का काम इन्होंने किया था, पुल पर, इसार रोड है, डबली रोड पर है, जनता भवन पर है, वो लाइट भी आज खराब, 2-3 महीने में सारी लाइटें बंद हो चुकी है। तो भ्रष्टाचार का अड्डा नगर परिषद बन चुकी है, उन पर कार्रवाई करने की बजाय एक लिपापोती करके मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है, अभी सरसा इतना स्वच्छ है, ये वो है। तो मेरे मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना था, एक वीडियोग्राफी कराई है मैंने भी, आप ये देखो, जहाँ आपका कार्यक्रम है वहाँ सफाई है, दिए तले अंधेरा है, बाकी सारा शहर है जो इन्होंने नरक बनाने का काम कर दिया, उस काम के लिए मुझे आज नज़रबंद कर दिया गया। भाई मेरे से क्या डर है, जब आप जनसंवाद करने आ रहे हो, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ, मेरे पिताजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा है, मैं कोई विरोध करने नहीं जा रहा, मैंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि मैं झंडे दिखाऊंगा या मैं कोई विरोध करूंगा, मैं एक मुख्यमंत्री जी को असलियत दिखाने जा रहा था भी, किस प्रकार प्रशासन और स्थानीय विधायक आपको अंधेरे में रख रहे हैं, किस प्रकार जो नगर परिषद है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, सारे जो नगर परिषद के पैसे थे भ्रष्टाचार में ख़त्म कर दिए गए हैं, विकास धरातल पर है ही नहीं, सिर्फ कागजों में है। इस बात के लिए मेरे को आज नज़रबंद कर दिया गया, ताकि मुख्यमंत्री को सरसा की जनता की आवाज़ ना पहुँच सकाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।